होते हैं, नौकरी छीन लिए। एक चीज तो हुआ है कि सरकार का नीति स्पष्ट हो गया है कि जरूरत खत्म तो नौकरी खत्म। अगर एक्शन से भी नहीं सुनते तो उन्हीं के आवाज के सामने पॉइजन खा लेंगे। हॉस्पिटल स्मार्ट बनाने से थोड़ी होगा, स्टाफ है ये नहीं। हम लोग सोचे नया साल में कुछ अच्छा होगा, परमानेंट होगा, नया साल दो दिन बीता, आज हम लोग को हटा दिया गया। कोविड के कारण खत्म हो जाने के कारण हटा दिया गया। कोविड के समय आप लोग को ज्वाइनिंग करवाया गया, उसके बाद हटा दिया गया। जी हाँ, उसमें हटा दिया गया हम लोग। वहाँ पहुँचे हैं मुजफ्फरपुर के SKMKCH अस्पताल में, ये लोग लैब टेक्नीशियन के पद पर है, सरकार के द्वारा इन लोग को हटा दिया गया। इन लोग का क्या मांग है जानेंगे। पहले आपका दोस्तों देख लिए वीडियो, लाइव टेक्नीशियन जो धरना प्रदर्शन सभी लाइव टेक्नीशियन कर रहे हैं। कोविड 19 में इन लोगों को ज्वाइनिंग किया गया और काम खत्म, तो इन लोगों को जॉब से हटा दिया गया है। देख लिया वीडियो क्लिप भी हम आपको दिखाए और पेपर के माध्यम से भी हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। देख लीजिए लाइव टेक्नीशियन संघ ने किया प्रदर्शन। देख लीजिए शनिवार को गर्दनीबाग धरना स्थल पर कोविड 19 वैश्विक महामारी में नियोजित लैब टेक्नीशियन ने धरना प्रदर्शन किया। इसमें लैब टेक्नीशियन संघ का कहना है कि वैश्विक महामारी कोरोना में बिना अवकाश लिए और बिना प्रोत्साहन राशि के न्यूनतम मानदेय 12,000 रुपये में 2020 से 2023 तक कार्य करते रहे आ रहे हैं। वैश्विक आपदा में भी सभी लैब टेक्नीशियन साथियों ने उत्कृष्ट कार्य किया, पर वर्तमान स्थिति में हम सभी कोरोना योद्धाओं को अनदेखा किया जा रहा है। इसलिए मौजूदा सरकार से मांग करते हैं कि राज्यभर के सभी लैब टेक्नीशियन को राष्ट्रीय स्वास्थ्य समिति कर्मी का दर्जा दिया जाए और महंगाई के हिसाब से मानदेय बढ़ाया जाए। तो दोस्तों देख लीजिए इन लोगों को महंगाई क्या बढ़ाएगा, महंगाई के हिसाब से इन लोगों को हटा ही दिया गया है। लेटर एक जारी किया गया और सभी को हटा दिया गया है। तो दोस्तों देख लीजिए संविदा वाला का कब है कब नहीं है वो सरकार पर निर्भर करता है। तो दोस्तों यही अपडेट निकल के आ रही है। दूसरा अपडेट चलिए हम आगे बताते हैं। देख लीजिए आप दोस्तों, जिसका भी 11 और 12 जनवरी की एग्जाम है NM का, तो अभी तक आप लोग टेस्ट सीरीज नहीं लिए हैं तो ले लीजिए फटाफट टेस्ट सीरीज, क्योंकि देख लीजिए अभी संविदा वाला क्या स्थिति क्या हुआ है। सरकार को जब माने तब हटा दिया जाता है सरकार की तरफ से। इसीलिए सभी स्टूडेंट अभी 10,709 पोस्ट में ही, जिसका भी 11 और 12 की एग्जाम है, फटाफट सभी स्टूडेंट अच्छा से पढ़िए और एग्जाम निकालिए और परमानेंट जॉब हो जाएगा तो हटाने का टेंशन खत्म हो जाएगा। इसीलिए हम आपको यहाँ पर नंबर दे देते हैं 8051305735, यही मेरा फ़ोन पे गूगल पे पेटीएम नंबर है। इसी पे आपको 49 रुपया ट्रांसफ़र करना है और आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। अभी 16 टेस्ट सीरीज दे चुके हैं, 15 टेस्ट सीरीज हो चुका है और आज अभी हम 16वां टेस्ट सीरीज दे चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक नई टेस्ट सीरीज लिए हैं टेस्ट सीरीज ले लीजिए, इसी नंबर पर आपको 49 रुपया ट्रांसफ़र करना है, आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा और लगातार आपको 11 तक टेस्ट सीरीज होगा। और आज रात 10 बजे भी लाइव आने वाले हैं, 10 बजे रात में भी लाइव आने वाले हैं और 12 बजे दिन में भी लाइव आते हैं, तो उसमें भी आपको VTC NM 10,709 पोस्ट के लिए हम पढ़ाते हैं और जो पढ़ाते हैं यहाँ से 100% आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। 5 जनवरी को ही आप देख लिए जो तीनों शिफ्ट मिला के डायरेक्ट टेस्ट सीरीज से पूछा गया था और सभी प्रश्न हम आपको वीडियो बना के भी बता दिए थे, डायरेक्ट टेस्ट सीरीज और सफलता बैच से डायरेक्ट प्रश्न टकराया था। इसलिए जो भी स्टूडेंट अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं लिए फटाफट टेस्ट सीरीज ले लीजिए और आज 10 बजे रात में भी आप लोग इसी चैनल पर लाइव आना नहीं भूलिएगा, क्योंकि 10 बजे रात में फिर 10 से 11 लाइव रहेंगे और दिन में 12 बजे से लेकर 2 बजे तक लाइव रहते हैं। अभी से लगातार आप लोग लाइव क्लास कीजिए और टेस्ट सीरीज से पढ़िए, 100% आपका एग्जाम निकलेगा। तो दोस्तों यही जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले थे जो कि दे चुके, आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए और वीडियो को जाए अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जैसे ही विभाग की तरफ से जो भी अपडेट आएगा वीडियो बनाएंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और जो भी स्टूडेंट फार्मासिस्ट OT स्टैंड EGC एक्सरे टेक्नीशियन का न्यू वैकेंसी आने का इंतजार कर रहे हैं तो बहुत जल्द आपको न्यू वैकेंसी देखने को मिल जाएगा और 12 के बाद फिर से हम लोग OT स्टैंड फार्मासिस्ट EGC एक्सरे टेक्नीशियन का बैच स्टार्ट कर रहे हैं और ANM GNM का फिर से नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। इसलिए सभी स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर शेयर कर लीजिए, जैसे ही बैच स्टार्ट करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और जो भी स्टूडेंट टेस्ट सीरीज नहीं लिए फटाफट टेस्ट सीरीज ले लीजिए। थैंक यू।